नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। तहसील अध्यक्ष राहुल मिश्रा की अगुवाई में ब्लॉक अध्यक्ष टोडपुर अमिताभ सिंह ने सौंपा उप जिलाधिकारी शाहबाद को 3 सूत्रीय ज्ञापन। ग्राम आयरी में पूर्व प्रधान के द्वारा किसानों के खेतों में अवैध तरीके से कब्जे को मुक्त कराने व नगर पालिका क्षेत्र पिहानी के दबंगों द्वारा कब्जा किए गई किसानों की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात की गई। जल्द कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की बात संगठन के द्वारा कही गई है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष राहुल मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष अमिताभ सिंह, सुनील तिवारी, राकेश सिंह, करण तिवारी, मनीष सिंह, राम बाबू, गौतम, शिव कुमार कुशवाहा आदि मौजूद रहे। हरदोई से संवाददाता चरण सिंह की रिपोर्ट। मैं सुनील तिवारी, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक उपाध्यक्ष टोंडर हूँ। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या मेरी ये है कि मेरे खेत में पापलर अवैध तरीके से शैलेंद्र प्रताप सिंह लालू और उनके पिताजी लाखन सिंह ने अवैध रूप से 1 मीटर मेरे खेत में लगा दिए हैं। उसी की शिकायत आज उप जिलाधिकारी साहब से मैंने की है। क्या समस्या है? समस्या क्या है आपकी? हमारे खेत में पापलर लगाए हैं प्रताप सिंह के खिलाफ। क्या आपने शिकायत किससे की? आप शिकायत नाले में खेतों के पास गए, कार्रवाई नहीं। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।